अक्सर पूछते हैं कि आप लिखते क्यों हैं, लोग अक्सर पूछते हैं कि आप लिखते क्यों हैं। हमने कहा कम वक्त कुछ तो बेवजह करने दीजिए। Somebody asked me like, which is your favorite poetry, which is your favorite poem that you have written. So I wrote something ke meri sabse haseen shayari, meri sabse haseen shayari aaj bhi nabood hai. Nabood means invisible. Meri sabse haseen shayari aaj bhi nabood hai kyunki wo to sirf uske inbox mein maujood hai. I wrote something ke people often ask ke kya aapko ishq hua hai. People ask ke kya aapko ishq hua hai, to I wrote something ke hamein bhi ishq hua hai, hamein bhi ishq hua hai, ek baar nahi kai martaba hua hai. Hamein bhi ishq hua hai, ek baar nahi kai martaba hua hai, aur wo jo dete hain hawale sachi mohabbat ke, aur wo jo dete hain hawale sachi mohabbat ke, कैसे समझाएं हर दफा वैसा हुआ है। I wrote something कि मेरी तमाम ख्वाहिशें, मेरी तमाम ख्वाहिशें अधूरी हो गई हैं। People who are working in a company, जो जॉब कर रहे हैं ना, वो रिलेट कर पाएंगे। सर आरजे सर, आप रिलेट कर पाएंगे, जो लोग जॉब कर रहे हैं ना, वो रिलेट कर पाएंगे कि मेरी तमाम ख्वाहिशें, मेरी तमाम ख्वाहिशें अधूरी हो गई हैं, बढ़ती उम्र मानो मजबूरी हो गई है, और मैं तो जीतने चला था ये जहान सारा, और मैं तो जीतने चला था ये जहान सारा, ये कमबख्त नौकरी कब से जरूरी हो गई। I wrote something for my wife saying के सब कुछ खुदा से मांग लिया, सब कुछ खुदा से मांग लिया, एक तुझको मांग कर, सब कुछ खुदा से मांग लिया, एक तुझको मांग कर, उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। I wrote something for my wife saying के खुदा मिले ना मिले, खुदा मिले ना मिले इस जन्म लेकिन, खुदा मिले ना मिले इस जन्म लेकिन, आप मिली हैं ये क्या खुदा से कम है। I was sitting with my wife and I realized on an evening with a cup of tea, अपनी वाइफ से बैठा तो मैंने लिखा कि ये जो संग तेरे, I'm not sure people who are committed to their best love या जिसको प्यार करते हैं उसे कभी बैठ कर भी सोचा है कि नहीं, तो I wrote something कि ये जो संग तेरे धीमे से वक्त बीत रहा है ना, I repeat, ये जो संग तेरे धीमे से वक्त बीत रहा है ना, एक उम्र में ये मेरा सपना हुआ करता था। I wrote something for my wife कि वो मेरे ज़हन की मायूसी, वो मेरे ज़हन की मायूसी भी भाप जाते हैं, वो मेरे ज़हन की मायूसी भी भाप जाते हैं, कैसे करें उनसे पर्दा, वो मेरी जान जो ठहरे सब जान जाते हैं। And with this last one, I'm gonna finish कि मैंने खुदा देखा है, मैंने खुदा देखा है, मंदिर मस्जिद से जुदा देखा है, देखा है उसको 56 भोगों से डरते, देखा है उसको 56 भोगों से डरते, और फकीर की थाली में बेपरवाह देखा है। मैंने खुदा देखा है, हर उस चीज से करता है नफरत वो, हर उस चीज से करता है नफरत वो, जिसने बांटा है उसकी कायनात को। आई रिपीट के हर उस चीज से करता है नफरत वो, जिसने बांटा है उसकी कायनात को, मैंने तो टोपी पहने आयत पढ़ते कृष्ण भगवान देखा है, मैंने खुदा देखा है, मंदिर मस्जिद से जुदा देखा है। विद दिस लास्ट थिंग आई एम गोना फिनिश के मजहब के मायने, मजहब के मायने सिखाते इंसानों बेछुपा शैतान देखा है। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू फोकस ऑन दिस लाइन, दिस लाइन सेज के और एक ही डाली के टूटे फूलों से, वी एक्चुअली डिफरेंशिएट बिटवीन हिंदू मुस्लिम, पर एक ही डाली के टूटे फूलों से मंदिर मस्जिद गिरजा घर की बढ़ाते शान देखा है, मैंने खुदा देखा है, मंदिर मस्जिद खुदा देखा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।